अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मैं की आने वाले एपिसोड के बारे में। हाँ, आसिफ साहब ने आयरा को कैद कर लिया है, वहीं बात करें मुबशरा और जैद की तो उनके दरमियान की दूरियां हमें ख़त्म होती नज़र आती जा रही हैं। दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगना शुरू हो गया है, एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे की केयर करना, देखा जाए तो ये दोनों में काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। जैद अपने बाप को फ़ोन करके मुबशरा की काफ़ी तारीफ करता है कि मुबशरा बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। शायद जैद को भी मुबशरा से मोहब्बत हो रही है और मुबशरा को तो हो ही गई है। जैद को कह भी देती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और अब मैं खुद को नहीं रोक सकती, मैं इस मोहब्बत में आगे ही आगे बढ़ती जा रही हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं कि तुम मुझसे मोहब्बत करो या ना करो, लेकिन मेरी मोहब्बत तो अटल है। फिर जैद का हाल देखा जाए तो जैद का हाल भी कुछ ऐसे है, उसे अब मुबशरा से बातें करना, उसके पास बैठना, उसको महसूस करना, उसको अच्छा लगना शुरू हो गया है। ये तो था जैद और मुबशरा का किस्सा जो कि बहुत ही अच्छा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ मैस भी क्रिएट हुआ। अब मैस ये क्रिएट हुआ कि रियान को पता चला कि आयरा को आसिफ साहब ने बंद कर दिया है, तो वो जाता है, आसिफ साहब घर नहीं होते तो आयरा के रूम में पहुँचने में कामयाब हो जाता है और आयरा को अपने साथ रिलेशन की ऑफर करता है। भला आयरा ये सब कबूल करेगी? हाथापाई होती है और ऊपर से आसिफ साहब भी आ जाते हैं, जिस पर जो रियान है वो बिल्कुल ही मासूम बन जाता है कि मैं तो सिर्फ इसकी मदद कर रहा था, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। और आयरा चीख चीख के बताती है कि इसने मेरे साथ बुरा करने की कोशिश की। तो क्या आसिफ साहब आयरा की बात पर यकीन करेंगे या रियान को ही सच्चा समझेंगे? लेकिन अगर मेरी राय यहाँ पर मानी जाए तो आसिफ साहब इतने बुरे नहीं हैं, वो जानते हैं कि उनकी बहू कुछ भी कर सकती है लेकिन इस तरह का काम नहीं कर सकती, तो आसिफ साहब आयरा का ही साथ देंगे। आगे क्या होगा ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।